नमस्कार दोस्तों, 9 जुलाई को गुरुदत्त और अभिनेता संजीव कुमार का जन्म अलग अलग वर्ष में हुआ था। मुगले आजम के लिए प्रसिद्ध के आसिफ ने लैला मजनू की प्रेम कथा से प्रेरित फिल्म लव एंड गॉड का निर्माण गुरुदत्त को लेकर प्रारंभ किया। कुछ दिनों की शूटिंग के बाद गुरुदत्त ये कहते हुए कि यह दुनिया मेरे काम की नहीं चल बसे। क्या गुरुदत्त ने इस कारण आत्महत्या की कि वह जान गए थे कि उनकी पत्नी गीता रॉय से उनके रिश्ते में सकारात्मकता आने की उम्मीद समाप्त हो चुकी थी, या ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं उनके अवचेतन में गहरा जम चुका था। आर के नैयर की फिल्म कत्ल खाकसार ने लिखी थी। कत्ल की शूटिंग के समय खाकसार और संजीव कुमार के बीच में वार्तालाप होता था कि एक दिन उन्होंने बताया कि उनके पिता और दादा की मृत्यु उस समय हुई जब उनका पुत्र 10 बरस का था। जाने क्यों संजीव जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस अंधविश्वास में यकीन करने लग गया था। संजीव कुमार ने इसीलिए विवाह नहीं किया था। संजीव के भाई किशोर जरीवाला की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हुई थी। संजीव कुमार ने अपने भाई के पुत्र को कानूनी रूप से गोद लिया। आश्चर्यजनक है कि गोद लिया हुआ पुत्र जब 10 बरस का हुआ और संजीव कुमार हृदयाघात से चल बसे। कुछ अंधविश्वास में बेहद भरोसा करने से वे कमबख्त घटित हो जाते हैं। मनुष्य मस्तिष्क की शक्ति विराट है। कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड ही मनुष्य की कल्पना है। इसीलिए संकीर्णता से बचते हुए सकारात्मकता को मंत्र की तरह जपना चाहिए। गुरुदत्त ने उदय शंकर की अल्मोड़ा स्थित पाठशाला में नृत्य करना सीखा था। उदय शंकर केवल मार्ग दिखाते थे और समय समय पर छात्र को अपने नृत्य संयोजन को प्रस्तुत करने को कहते थे। एक बार गुरुदत्त ने प्रस्तुत किया कि उनका संपूर्ण शरीर एक सर्प ने जकड़ रखा है। गुरुदत्त ने सर्प का मुंह पकड़ा हुआ है। सर्प मुंह छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। गुरुदत्त की पकड़ मजबूत है। यह संभव है कि ध्यान भटकते ही पकड़ ढीली होती है और सर्प को अवसर मिल जाता है। संभव है कि आत्महत्या के दिन भी उनकी पकड़ ढीली हो गई थी। मृत्यु का सर्प ऐसे ही अवसर की ताक में रहता है। याद आता है कि वहीदा रहमान ने फिल्म गाइड में सपेरे की बीन पर नृत्य किया था। वहीदा उन्हें वैसे ही प्रेरित करती थी जैसे किसी दौर में नरगिस राज कपूर को करती रही। दरअसल प्रेरणा एक बहाना है। कृति तो कर्ता के अवचेतन में हमेशा मौजूद रहती है। संजीव कुमार को छोटी भूमिकाएं मिलती रही। उन्होंने तलवारबाजी के सीन भी किए हैं। बहरहाल फिल्म पारस मनी का एक गीत संजीव कुमार को बहुत पसंद था। गीत है, वो जब याद आए बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए। संजीव कुमार बहुत याद आते हैं। संजीव ने फिल्म नया दिन नई रात में 9 पात्रों को अभिनीत किया है। गौरतलब है कि संजीव ने फिल्मों में जया बच्चन के प्रेमी की भूमिका भी की है। फिल्म कोशिश में वे पति पत्नी भी रहे। फिल्म शोले में संजीव कुमार ने जया बच्चन के ससुर की भूमिका भी की थी। गुलजार की फिल्म परिचय में संजीव कुमार जया बच्चन के पिता की भूमिका अभिनीत कर चुके हैं। गुरुदत्त का जुनून फिल्म बनाने का था। वे एक अनिच्छुक अभिनेता रहे। प्यासा के लिए दिलीप कुमार ने अपने नैराश्य के कारण काम करने से इनकार किया तो गुरुदत्त को अभिनय करना पड़ा। संजीव कुमार ने जीनत अमान के साथ शम्मी कपूर निर्देशित फिल्म मनोरंजन में अभिनय किया। यह फिल्म हॉलीवुड की एक फिल्म से प्रेरित थी। इसके वर्षों पूर्व वही शांताराम की आदमी भी एक पुलिस वाले और तवायफ की प्रेम कथा थी।